सो गाइस, जितना भी खाना ये आपको दिखाई दे रहा है ये भेजा है टमी टेल्स वालों ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना, ये उन्होंने अपनी तरफ से दिया, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही बिगेस्ट पराठा बनाते हैं। तो ये है आलू प्याज का पराठा और मैं अकेले कैसे ही खाऊंगी। बट सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने भेजी है, उन्होंने शायद पता नहीं मेरी स्टोरी देखी है या व्लॉग्स देखे हैं, तो उन्होंने राजमा राइस भेजा है और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बट ये कौन खाएगा, देखती हूँ। वैसे जितना भी खाना मैं लाती हूँ ना, वो थोड़ा बहुत बचता है, वो नहीं देती जो पहले ही ना जो नेबर्स रहते हैं उनको भी ऐसे शेयर कर लेती हूँ। तो बाकी क्या भेजा उन लोगों ने, यहाँ पे अचार है, चटनी है, सैलेड है और बाकी बस ऐसे ही है। और ये इसमें स्वीट डिश है और वो स्वीट लस्सी है। तो चलो, मेरे लिए तो ये 3 दिन का खाना हो गया है, पर मुझे खाना तो आज ही है। तो सबसे पहले मैं राजमा राइस खा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलूंगी। एंड थैंक यू टमी टेल्स, आपने इतना टेस्टी खाना भेजा। गाइज, आप राजमा राइस चेक करो, ये इस पे लिखा हुआ था घर वाले राजमा राइस। तो मैंने कहा मुझे ये तो मतलब चाहिए ही चाहिए था और मुँह में पानी आ गया। बट हाँ, मेरी मम्मा से टेस्टी तो ये नहीं होंगे, बट फिर भी मम्मा की जो याद आ रही थी उसको ये पूरा कर देंगे अभी। तो बस फटाफट खाती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको समझ आ ही गया है कि आज मैं आई हूँ फायरवर्क्स देखने, जो 29 जून को हो रहा है यहाँ पे ये दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल। तो ये मुझे मोदीन ने ही बताया था, और जितने लोग भी इतने दिन से कॉमेंट कर रहे हैं कि मोदीन अहमद कहाँ हैं, तो भाई देखो सब बहुत बिजी हैं ना, उनके पास टाइम था मिलने का, ना मेरे पास टाइम था, लेकिन आज हम दोनों ने टाइम निकाला है और आज हम दोनों ही साथ में फायरवर्क्स देखेंगे। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, जैसे वो आएंगे तो फिर मैं आपसे भी मिलवाऊँगी उनको और फायरवर्क्स भी दिखाऊँगी। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे, तो अभी मैं बस बाहर ही वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आते हैं फिर अंदर जाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? आपको बहुत मिस कर रहे थे। मैं भी सबको बहुत मिस कर आपके व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, सब मुझे बड़ा परेशान करते हैं पूछ के। तो इनको बताओ कि आज आप व्लॉग करेंगे। पक्का? चलो ठीक। सो गाइस, यही है दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल जहाँ पे फायरवर्क्स होने वाला है। तो बस अंदर जाती हूँ और फिर देखती हूँ कि आज मैं टाइम पर तो वैसे पहुँची हूँ, पहली बार मैं टाइम से पहुँची हूँ।
Their lights and fountains will play every half an hour. Don't miss it. And remember to tell us your favorite Imagine moments at... Nice, no? उसके बाद मैं घर गई, मैंने चेंज किया और मैंने ब्लॉग नहीं किया। अभी नेक्स्ट डे का ब्लॉग कर रही हूँ जो मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं आई हूँ तंदूरी बिस्ट्रो, बहुत घर के पास में था। इनका भी ऐसे मैसेज आया था कि हम आपको ऐसे इनवाइट करना चाहते हैं, बस फिर मैं ऐसे आ गई। अब खाना पीना खाऊँगी। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि मुझे मिला है राजमा मसाला। तो जिस दिन से आइए पता नहीं राजमा 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 ही चाहिए, और इंडिया जाऊँगी ना तब भी राजमा ही चाहिए। तो बस ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हर जगह चाहिए। सो गाइस, इन लोगों ने मुझे बताया कि ये यहाँ की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग ड्रिंक है, तो मैं इसको पीकर बताऊंगी कि कैसी है। और गाइस, इस ड्रिंक का नेम है थाई मैंगो स्पाइसी मैंगो। तो वो देखते हैं कि दोनों टेस्ट आ रहे हैं या नहीं। थाई को ये लोग बोल रहे हैं थाई। टेस्टी, बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा उमदा टेस्ट इसका और बहुत टेस्टी। गाइज, अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पे राजमा मसाला नहीं है। मतलब मैं इतनी उम्मीदों से और इतने खुशी खुशी आप लोगों को सब बता रही थी, लेकिन वही अपनी खुशी को खुद ही नज़र लग जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसकी जगह मंगा लिया है दाल, राइस, रोटी। इसी से ही पेट भरता है यार, लेकिन थोड़ा फैंसी भी उन लोगों को चाहिए, क्योंकि ये एक प्रमोशन वर्क है। तो इंस्टाग्राम पर इसकी रील आपको देखने को मिलेगी। और काम के लिए देखती हूँ, तभी मैंने ये थोड़ा बहुत मंगाया था। थाई मैंगो एंड स्पाइसी मैंगो। इन्होंने बोला जो हमारे यहाँ का स्पेशल चीज़ है ना, वो हम आपको देंगे। अब मैं अकेले कितना ही खा सकती हूँ। तो मैंने अपने एक दो फ्रेंड्स को तो बुलाया है यहाँ पे, जिसमें से एक फ्रेंड तो पहुँच ही गया है ऑलमोस्ट, और उसका नाम है पुदीना। गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये दाल मैंने जो मंगाई है ना, इसमें कहीं कहीं राजमा दिख रहा है, तो बस मैं इसी से सेटिस्फाइड हो रही हूँ और अब मैं खा रही हूँ। और ये देखो किसमें दिया है। काजल, तुझे तो याद आ रही होगी बड़ी इस मिट्टी की। खाना पीना मेरा कंप्लीट हो गया था और अब मैं जा रही हूँ घर, और काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। मैंने मंगाई थी ढाबे की दाल ना, ढाबे की दाल, तो वो उसमें राजमा भी था, टेस्टी थी, अच्छा था। बस लास्ट में मुझे ब्राउनी विद आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन मैंने बोला नहीं उनको कि ऐसे, वो सोचेंगे ये लड़की कितना खाती है। और जो बचा वो मैंने पैक करा लिया, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो बस अभी घर जा रही हूँ, और बस अभी घर जा रही हूँ। टॉप किस किस को याद है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ मैंने वो वाइट वाली स्कर्ट तो नहीं पहनी, क्योंकि थोड़ी गर्मी है तो मैंने सोचा नहीं पहनती हूँ, बट अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। पर ये टॉप मुझे फिट आया और मैं बहुत खुश हूँ। और बस ऐसे आपको दिखाने का मन हुआ तो मैंने दिखा दिया। सो गाइस, घर आने के बाद मैंने चेंज वेंज किया और थोड़ी सी वॉक करने आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे पेट हैवी हो गया था खाना खाने के बाद, और अब बहुत तेज़ आ रही है नींद। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक दो लोग फिर से शुरू हो गए हैं नेगेटिव कमेंट करने का, उन्होंने ट्राई किया था। खैर देखो, मेरा तो कुछ जाता नहीं है, मैंने तो सिर्फ डिलीट करना है, उनको ब्लॉक करना है। लेकिन उनकी सोच से ना मुझे थोड़ा ऐसे हो जाता है कि मैं इनको क्या ही बोलूँ। इनका ये एक ना ऐसा तो निकल के आता ही है। अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं चाहती, क्योंकि क्या है ना, पहले भी हमने इस बारे में बहुत बार बात की है व्लॉग्स में, तो इसलिए मैंने ना इस बार ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी आज जैसे सुबह मैंने व्लॉग पे रीड किया था, जो कल वाला व्लॉग था, उस पर भी एक दो कमेंट ऐसे थे जो मैं पढ़ के ना थोड़ी हर्ट हुई। फिर मुझे हुआ कि
कुछ नहीं कर सकते हैं इन लोगों का, तो इग्नोर ही करो। और बस साहिल को मैंने बताया कि ऐसे पता नहीं क्या क्या ही है, अगर मैं चलो उनकी ना मैं बात करती हूँ, जैसे आप लोगों ने लिखा मोहदीन से क्यों नहीं मिल रहे हो, तो मैंने बताया मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, वो अपने काम में बिज़ी हैं, और जब मिली तो भी प्रॉब्लम, नहीं मिल रही थी तो भी प्रॉब्लम। तो मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि लोगों को मैं कैसे सेटिस्फाइड करूं कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जी सकती हूं ना थोड़ी बहुत, तो बस जैसे मैं जो चल रहा है वो आपको दिखा देती हूं। तो ना करो नेगेटिव कमेंट, अच्छा लगता है। फिर ऐसे ना कई प्लान्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि ये ब्लॉग करेंगे वो ब्लॉग करेंगे, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि यार ये कमेंट ना आ जाए वो कमेंट ना आ जाए, तो बड़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इसीलिए ना इस बार इधर आके मैंने कम ही ब्लॉग्स किए हैं, कुछ गर्मी की वजह से नहीं किए और कुछ एक दो बस ऐसे नेगेटिव कमेंट पढ़ लिया था तो मेरा माइंड ऐसे हो गया कि नहीं ठीक है जो चल रहा है चलने दो। लेकिन हाँ साहिल ने समझाया कि इन लोगों का तो काम है, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तो इन्हें इग्नोर ही करना सबसे अच्छा रहता है। तो अभी बस करती हूँ ये व्लॉग एंड और मिलूंगी कल के व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय गाइस। और मैं यहीं घूमने आई थी क्योंकि ये जगह मेरे घर के बहुत पास है तो यहाँ बैठ के थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है। बाकी ये कभी नहीं चेंज हो सकती गाइस, बल्कि और बढ़ा रहे हैं बिल्डिंग्स। ओह ब्राइटनेस कम थी।